चीन के बारे में कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। जी लपलपाने वाला चीन आखिरकार अफगानिस्तान में क्यों नहीं पैसे लगा रहा है और तालिबान का गुस्सा क्यों फूट पड़ा है चीन के ऊपर? तो वहीं दूसरी तरफ भारत को ठगने के चक्कर में इस बार चीन बुरी तरीके से फंस गया और आ ही गया चीनी ठगी पर बड़ा फैसला। भारत ने ले ही लिया है बड़ा एक्शन। जानेंगे 5,521 करोड़ और इस पैसे पर कौन सा बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि ये खेल चीन के पूरी इमेज को खराब कर रहा है। जानेंगे भारत के इस फैसले से किस तरीके से दुनिया भी एक तरफ हो रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान से अमेरिका जैसे बाहर निकला था, चीन तो ऐसे कर रहा था, लग रहा था जैसे अफगानिस्तान का सारा खजाना लूट ही लेगा। और इसका एग्जाम्पल ये है कि आप उस समय की तस्वीरें देखेंगे ना, तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ बार बार मुलाकात कर रहा था चीन, और वो भी किस समय, जिस समय कोरोना काल था, महामारी का समय था, दुनिया परहेज ले रही थी। इस साल की शुरुआत में भी चीनी विदेश मंत्री ने तालिबान के जो इस वक्त कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुताकी से बातचीत की, और इस बातचीत के लिए चीनी विदेश मंत्री काबुल पहुंच गया। ये एक बड़ा ही दुर्लभ दौरा था, क्योंकि अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। कब कौन टपक जाए, ऊपर चला जाए, कोई निश्चित नहीं है। ऐसे आपको बता दें, वांगी ने वहां जाकर ये कहा कि हम BRI करेंगे, हम यहाँ तक लेके आएंगे BRI प्रोजेक्ट को, आपको भी फायदा होगा, खजाना ही खजाना बरसेगा, इतना खजाना कि समेट नहीं पाओगे। तालिबान को भी लगा, अरे वाह खजाना मिलेगा, इन्होंने लाल लाल थैलियां सिलवाना शुरू कर दिया। लेकिन चीन ने इन सालों के बीच में एक फूटी कौड़ी नहीं दी, हर बार सिर्फ दिलासा देता रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन को लोभ नहीं था, चीन को लोभ था। चीन ये सोच रहा था कि अफगानिस्तान की धरती में छिपा हुआ है अरबों का खजाना, पिछले 40 साल से तो ये देश युद्ध ही लड़ रहा है, अब पहले इसे दिखाओ कि तुम्हारे देश में विकास का सूरज उगेगा, तुम लोग सारे मालदार हो जाओगे। ड्रैगन ने सपने दिखाए, तालिबान भी एकदम से हिरन के माफिक कुलाचे भरने लगा। लेकिन साल भर बीत जाने के बाद अब समझ में आया है तालिबान को कि चीन ने उसे धोखा दिया है, और चीन की कंपनियां अफगानिस्तान के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। अब तालिबान का सब्र जवाब देने लगा है, एकदम से दिल तोड़ दिया चीन ने। हालांकि चीन ने भी जो सोचा था वैसा नहीं हो पाया। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से जाने के एक साल बाद युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। करीब 2 करोड़ लोगों के सामने खाने का गंभीर संकट है। वहीं हालात ऐसे हैं कि पैसों के लिए लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। लेकिन तालिबान ने एक बड़ी गलती की कि चीन पे भरोसा किया और चीन ने उसे मझधार में छोड़ दिया, और अब दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के उपाध्यक्ष खान जान आलोकोजे, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन ने फूटी कौड़ी भी अफगानिस्तान में निवेश नहीं की। चीन की कई कंपनियां आई, हमसे मिली, देख खोजा समझा सब कुछ किया, फिर चली गई और उसके बाद गायब हो गई। लेकिन चीन का क्या कहना है? चीन का कहना ये है कि एक तो वहाँ पर खुद ही हालात खराब है, पाकिस्तान में मेरे चीनी नागरिक ऐसे कभी कभार उड़ जाया करते हैं, तुम्हारे देश में हम घुसे लेकिन घुसने से पहले हमने एक शर्त दी थी, तुमने हमारा शर्त पूरा नहीं किया। अब चीन ने क्या शर्त दी थी? चीन दरअसल चाह रहा था, ये जो रास्ता देखते है ना, छोटा सा इलाका है जो अफगानिस्तान और चीन को जोड़ता है, लेकिन ये जो छोटा सा इलाका है, इस इलाके में शिनजियांग के समर्थक यानी कि उइगर मुसलमानों के समर्थक और उग्रवादियों का एक बड़ा समूह है जो अब धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े गुट बना रहा है, और ये गुट पहुंच जाते हैं शिनजियांग या चाइना के अंदर, कुछ भी करते हैं और फिर वापस से वहां से भागकर यहां आ जाते हैं। चीन चाहता था कि अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार आ गई है, तालिबान मेरे तरफ से लड़े और इन उग्रवादी समूहों को खत्म करे। तालिबान के पास समस्या ये थी कि तालिबान
खुद ही कई सारे गुटों से झगड़ा कर रहा है, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं। कोई नया एक खड़ा नहीं करना चाहता था अपना दुश्मन जो उसके साम्राज्य के लिए समस्या बने। चीन ने कई मौकों पर तालिबान को पूर्वी तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी कि ETIM के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने कुछ नहीं किया। 76 किलोमीटर की जो सीमा है अफगानिस्तान और चाइना की, ये बहुत बड़ी परेशानी बन गया है चीन के लिए। अब ETIM चीन के लिए एक टिकिंग टाइम बम है जो एकदम से जिंदा है, बहुत जल्द किसी न किसी दिन फटेगा ये बम। अब ये हालात देखकर तालिबान पर चीन को भरोसा नहीं हो रहा है और ये सोच रहा है कि अफगानिस्तान में अरबों की दौलत तो जरूर है, लेकिन इस दौलत के साथ साथ खतरे भी बहुत हैं। और यही वजह है कि अफगानिस्तान में पैसे लगाने से डर रहा है चीन कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे भी चले जाएं। माने कि ठग को समझ में आ रहा है कि ससुरा पाकिस्तान में अपने लोगों को तो उड़वा ही रहे हैं, अब क्या अफगानिस्तान में भी उड़वाएं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे को ठगने वाले चीन पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है भारत ने। और भारत ने जो एक्शन लिया है ना, उससे पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट हो गया है। और ये एग्जाम्पल सेट होना चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रहा है, क्योंकि भारत ने शुरुआत कर दी है और अब आधी से ज्यादा दुनिया इस चीज में पड़ी हुई है कि भारत ने जब शुरुआत कर दी है तो हम भी अब चाइना की कंपनियों पर थोड़ा निगरानी बरतना शुरू कर देंगे। और आपको बता दें, ऐसे देश जो कभी चीन के सामने जुबान नहीं खोलते थे, डरते थे, उन देशों ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है ठीक भारत की तर्ज पर। आपको याद होगा एक बड़ा ही उछला था केस, और इस केस के लिए चाइना ने यहाँ तक कह दिया था, चाइना के सरकार की तरफ से बयान आया था कि भारत सरकार अब रिश्ते खराब कर रही है और बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, व्यापार में ये करना बहुत गलत बात है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि एकदम से चौंकाते हुए भारत की ईडी ने Xiaomi के 5,551 करोड़ रुपए जो डिपॉजिट थे उसको सीज कर लिया था। अब यहाँ पर केस ठोक दिया चाइनीज कंपनी ने। Xiaomi ने कहा, नहीं, हमने जो ये पैसे भेजे थे चाइना, वो प्रोसेस बिल्कुल लीगल था। लेकिन जब इसे देखा गया तो मामला कुछ और ही निकला। ईडी ने जब प्रूफ सामने रखने शुरू कर दिए तो समझ में आया कि Xiaomi तो दूसरी कंपनियों से मोबाइल भर भर के खरीदता था, उसके लेबल हटाता था, Xiaomi के लेबल चिपकाता था और दुनिया को बेचता था। जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर थे वो सारा कुछ टैक्स रॉयल्टी वगैरह पे करते थे, फिर चाइना ने जो ये रॉयल्टी टैक्स वगैरह के नाम पर 5,551 करोड़ भेजे, वो क्यों भेजे? यानी यहाँ पर घपला चल रहा था। और आखिरकार जो कोर्ट थी, कोर्ट ने ये फैसला दिया, हालांकि उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा जाता है, इसका जो एक अफसर होता है जो अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और ईडी के द्वारा, उन्होंने साफ साफ कहा कि चीन का ये पैसा गलत है और भारत सरकार को हक है कि इस पैसे पर कब्जा करे। वैसे ये पैसा चीन के लिए मायने न रख रहा हो, लेकिन उसकी इमेज मायने रख रही है जो इस वक्त पूरी दुनिया में खराब हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने बिल्कुल सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।